अगर सिर तू गल लंघ दी पे तो वत मजबूरी है वत छुट्टी है तो अब ना बोलो। अच्छा ये तो पीऊ दे पाद हाथ ते आए ना सिर आला हो जा बोले तो चढ़ के तो नहीं गया दूर के तो नहीं गया ना गोया बाबा के हाथों पे तू मैदान में आया दादा की लड़ाई का मगर रंग दिखाया। क्या बात है जिंदाबाद कच्ची मेहरबानी सही। गोया बाबा के हाथों पे तू मैदान में आया दादा की लड़ाई का मगर रंग दिखाया तलवार उठाई न कोई तीर चलाया तलवार उठाई न कोई तीर चलाया बातिल को मगर तूने है मट्टी में मिलाया। तलवार उठाई न कोई तीर चलाया बातिल को मगर तूने है मट्टी में मिलाया मुस्का के बताया कि यही दाम है काफी हर एक यजीदी को मेरा नाम है काफी। कसीदा एक दू मैं नवा लिखी बता कार जैसा एक सेटिंग करने हैं भाभे उन्हें बड़ा सोना का सीधा लिखी होते हैं ठीक है जी। ते उन्हा सोधियां का सी उन्हा पढ़ हकूनी दे सा पढ़ ना चा वक्यो है ना तो आने इन्हें एक कार जाए ना सेटिंग करने दे मैं कहना ही यार मखा चलो आज उन्हा दे सामने ना पढ़ दे कंडू पे छुपा ले आज आपने कसीदे पढ़ दे प्रोग्राम है ना सारा का प्रोग्राम बच्चे की एक सलवात पढ़ो कसीदा बिल्कुल नमा लिखा हुआ है ते लिखा इस वास्ते हैं क्योंकि लिखता इस वास्ते हैं जी में जाकरी वाला सिलसिला सारी नस्ला ते शायरी वाला सिलसिला सारे खून ही शामिल है तो मैं आदा तसलसल रुक के नहीं वे कंटिन्यू है चलता रहा जाकर जैंदा अल्लाह जाकिर खुद खुदा है मेरे कसीदे का टाइटल है शायरी जिंदा मौजूद होती है शेर अपनी तशरीह खुद करेंगे नसर तशरीह शेर नू मुर्दा कर देती है लिहाजा शेर एक हकीकत का नाम है। इस कसीदे दे जितने शेर पर सा बगैर वजाहत बगैर नसर दे पहला मिसरा जनाब दी नजर कहन लगा
कच्ची आले हो जैनू पता लगता है जो शायर दा शेर इन होना चाहिदा है। हुण जवान नूं बुढ़े नूं अपनी दू सत्रां दी दावत पिया देना